हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है ना इंग्लिश जो वोकैबुलरी है इसका पार्ट सेकंड जो है ना हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो मेन वर्ड है वो है अनरेगुली, ठीक है। अनरेगुली ये हमारे पास वर्ड है, इसको हमने क्या करना है, इसका एंटोनिम जो है ना वो ढूंढना है। और ये ऑप्शन जो है ना हमारे पास ये गिवन है, इमोबाइल, इंगेजिंग, मर्सीफुल, प्रैक्टिकेबल और इनडिफरेंट, ठीक है। तो मैं पहले इसका मीनिंग क्लियर करूँगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो ऑप्शन में जो वर्ड्स आते हैं, ठीक है, ये आए हैं, ठीक है, इसकी मीनिंग मैं इसका एंटोनिम भी बताऊँगा और इसका सिनोनिम्स भी बताऊँगा, ठीक है, इसके भी बताऊँगा। और जो ऑप्शन में जो वर्ड्स है उसको हम जो है ना डिस्कस करेंगे, इनके एंटोनिम्स और जो सिनोनिम्स है, ठीक है, वो इसमें हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं आपको जो जिसको नहीं पता मैं उनको जो है ना ये चीज़ जो है ना वो क्लियर करवा दूँ, ठीक है, जिनको नहीं पता, ठीक है। ये होते एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनके क्या होते हैं, उनके अपोजिट जो है ना वो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके अपोजिट जो है ना वो मीनिंग होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे क्या होता है, जैसे एक वर्ड हो गया प्रिटी, PRETTY, प्रिटी, प्रिटी का मतलब क्या है, खूबसूरत है, ठीक है, खूबसूरत। जबकि इसका अपोजिट क्या है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, वो क्या होगा, अगली होगा, अगली, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड क्या होते हैं, एंटोनिम्स कौन से और ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अपोजिट मीनिंग होते हैं, जिसके मुखालिफ मीनिंग होती है। एक ब्यूटीफुल है, एक खूबसूरत है, एक क्या बदसूरत है, ठीक है। और फिर क्या आ जाती है, एक सिनोनिम्स आ जाती है, ठीक है, SYNONYMS, ठीक है, साइनोनिम्स। इसे क्या, इसकी सेम मीनिंग होती है। सिनोनिम्स ऐसे वर्ड होते हैं जिसके एक जैसी मीनिंग होते हैं, जैसे तकरीबन जो है ना वो एक जैसी मीनिंग होते हैं, ठीक है, जैसे प्रिटी हो गया, जैसे क्या होगा, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया, एट्रैक्टिव हो गया, ठीक है। तो इनके क्या होगा, आलमोस्ट तकरीबन इनके क्या होते हैं, उनकी सिमिलर मीनिंग होते हैं। तो सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी सिमिलर मीनिंग होते हैं, जैसे प्रिटी का मतलब खूबसूरत है, ब्यूटीफुल का मतलब भी खूबसूरत है, और ट्रेजर का मतलब भी जो है ना वो खूबसूरत है, दिल को जो है ना वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो एंटोनिम्स वो मीनिंग होती हैं जो कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इनके अपोजिट मीनिंग होते हैं, मुखालिफ मीनिंग होते हैं। और सिनोनिम्स वो वर्ड्स होती हैं जिनके तकरीबन क्या होते हैं, सिमिलर जो है ना वो मीनिंग होती हैं, ठीक है। तो आपने जहन में रखे कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने इस वर्ड का एंटोनिम जो है ना वो फाइन करना है, ठीक है, इस ऑप्शन जो है ना गिवन ऑप्शन है, ठीक है। तो अनरेगुली में जो है ना वो अच्छा अनरेगुली का मतलब क्या है, ठीक है, अनरेगुली, ठीक है, मैं पहले इसकी तरफ जो है ना वो आ जाता हूँ, ठीक है, अनरेगुली, ठीक है। अच्छा अनरेगुली का मतलब क्या है, इसका मैं पहले उर्दू में बता दूँ, अनरेगुली उसे कहते हैं सरकश को क्या कहते हैं, ठीक है, जो बगावत करता है, ठीक है, बागी जो होता है, ठीक है, ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, गैर मती करना, जो कि क्या होता है, फरमाबरदार जो है ना वो नहीं होता, ठीक है, जो बंदा फरमाबरदार नहीं होता, सरकश होता है, गैर मती होता है, ठीक है, इसको जाना वो कहा जाता है, ये बंदा क्या है, ये क्या है, अनरेगुली है, ठीक है। अच्छा इसकी सिनोनिम्स जो है ना मैं आपको बता दूं, पहले हम फिर एंटोनिम्स भी इसमें ढूंढेंगे, पहले इसकी सिनोनिम्स क्या है, ठीक है, जो कि सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। तो इसकी सिनोनिम्स का मतलब क्या है, इसकी जो सिमिलर मीनिंग है, एक जैसी मीनिंग है, डिसऑर्डरली, ORDERLY, ठीक है, डिसऑर्डरली का मतलब क्या, जो कि गैर, जो कि जिसमें तरतीब ना हो, ठीक है, बेतरतीब, ठीक है। तो अनरेगुली का मतलब ये है। अच्छा अनरेगुली का मतलब ये भी है, ठीक है, ये डिसओबीडियंट, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अनरेगुली का मतलब क्या है, डिसओबीडियंट, जो कि गैर मती हो, जो कि क्या ना फरमाबरदार हो, ठीक है, ठीक है, ये सारे मैं सिनोनिम्स बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है, अनकंट्रोलेबल, ठीक है, जरा जो बंदा जो है ना TROLLABLE, ठीक है, अनकंट्रोलेबल क्या होता है, जो बेलगाम होता है, ठीक है, जिसको क्या किया जा सकता है, जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जाहिर है जो बंदा डिसओबीडियंट होता है तो क्या होता है, वो बेलगाम होता है ना, वो अनकंट्रोलेबल होता है, इसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या है, बागीज है, वो बंदा क्या होता है, बागी होता है, जो बंदा अनरेगुली होता है वो क्या होते हैं, रेबीलियस कहते हैं, ठीक है, रेबीलियस का मतलब क्या है, बागी है, जो नाफरमाबरदार होता है, ठीक है, जिसको क्या किया जा सकता है, उसको अनमैनेजेबल है, ठीक है, जिसको आप मैनेज नहीं किया जा सकता, AMANAGABLE, ठीक है, अनमैनेजेबल, ठीक है, ये मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी वो क्या, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन आप जो ना वो गुजारा कर लीजिएगा, ठीक है, अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज नहीं किया जा सके, अनकंट्रोलेबल, जो कि बेलगाम है, ठीक है, या रबीलिस है, सरकश है, तो वो क्या है, ये सारे क्या है, सिनोनिम्स, ये सारे क्या है, अनरेगुली जो वर्ड है, ये सारे क्या है, मैं सिनोनिम्स जो है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर एक वर्ड आ जाती है म्यूटीनियस, ठीक है, ये भी इसका मतलब भी क्या है, बागी होता है, ठीक है, म्यूटीनियस, ठीक है, म्यूटीनस, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी इनका अनरेगुली का सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग है, ठीक है।
तो ये सारे जो मैंने बता दिए, जो अंदरूली का मतलब क्या है, सरकश होते हैं, जो गैर मती होते हैं, जो कि क्या होता है, नाफर बरदार होता है, या डिसऑर्डर जो बेतरतीब होता है, ठीक है, जिसमें कोई तरतीब नहीं होती, ठीक है। तो डिसऑर्डरली, डिसओबीडियन, अनकंट्रोलेबल, बेलगाम, रिबीलियस, सरकश है, ठीक है, जो कि बिल्कुल कोई जो है ना वो गैर मती होते हैं, ठीक है, म्यूटीनियस है, ठीक है, या अनमैनेजेबल है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अनरूली की मीनिंग हो गई, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ये जो अभी ऑप्शन में गिवन है, पहले क्या है, ये इमोबाइल, ठीक है, इमोबाइल में जो ऑप्शन में गिवन है इमोबाइल, इसकी हम क्या करेंगे, इसका क्या जो है ना वो बनेंगे, ठीक है, इमोबाइल। अच्छा, इसके क्या होते हैं सिनोनिम्स, क्या होते हैं इमो SYNONYMS, ठीक है। इसकी सिनोनिम्स जो है ना वो क्या होते हैं, इमोबाइल क्या होते हैं, जो कि साकत होते हैं, ठीक है, साकत, ठीक है, जो चीज़ क्या होती है, साकत होती है, ठीक है, उसको इमोबाइल कहा जाता है, ठीक है, जो कि स्टिल होता है। स्टिल का क्या मतलब है, जो बंदा साकत होता है, ठीक है, जो चीज़ साकत होती है वो इमोबाइल होती है, जो कि क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जो कि हरकत नहीं करती, ठीक है। ये सारे क्या इनकी सिनोनिम्स है, ठीक है, फिक्स्ड है, जिसको स्टेटिक कहा जाता है, स्टेटिक, बंदा क्या है, ये बड़ा चीज़ क्या है, स्टेटिक है, ये बिल्कुल मूव नहीं करती, ठीक है, स्टेटिक है, ठीक है, स्टिल है, मोशनलेस है, जो कि मोशन नहीं करता है, ठीक है, ये क्या है, मोशन लेस है, ठीक है, ठीक है, फिक्स्ड है, स्टेटिक है, मोशन लेस है, स्टिल है, ठीक है, साकत है, ठीक है। अब उसका क्या होता है, इसका एक वर्ड होते हैं रिवेटेड, RIVETED, ये वर्ड भी आपने याद रखना है, कि इसका मतलब क्या है, साकत है, रिवेटेड, मोशन लेस है, ठीक है, मोशन लेस, साकत है, ठीक है, जो हरकत नहीं करता, रिवेटेड है, फिक्स्ड है, स्टेटिक है, स्टिल है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इमोबाइल, ठीक है, ये सारे इनकी सिनोनिम्स है, ठीक है। तो ये जाना आपने क्या करना है, आपने जाना इसको जाना वो याद जाना वो रखने हैं, ठीक है। फिर वर्ड क्या आ गया, इंगेजिंग, ठीक है, वर्ड आ गया इंगेजिंग, ये इसमें क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। इंगेजिंग का जाना वो मतलब क्या होता है, इंगेजिंग, ठीक है, इंगेजिंग का मतलब ये है, दिल को छू जाने वाला, ठीक है, जो कि बड़ा दिल फरेब होता है, ठीक है, इंगेजिंग, ये क्या है, इनका क्या है, अपीलिंग है, जो कि दिल को क्या करते हैं, अपील करता है, ठीक है, बड़ा अट्रैक्ट करता है, जो कि बड़ा दिल फरेब होता है, ठीक है। क्या होता है इसका, क्या होता है, चार्मिंग होता है, ठीक है, जो चीज़ का क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, वो क्या होती है, चार्मिंग होती है, ठीक है, जो चीज़ क्या होती है, लवली होती है, खूबसूरत होती है, वो क्या होती है, वो चार्मिंग ही होती है ना, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब भी क्या है, इंगेजिंग है, ठीक है, चार्मिंग है, ठीक है। ये सारे मैं सिनोनिम्स बता रहा हूँ, कैप्टिवेटिंग, CAP, ये बहुत जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कैप्टिवेटिंग है, ठीक है। फिर अरेस्टिंग है, ARRESTING, अरेस्टिंग का मतलब भी क्या है, यानी वो क्या है, इंगेजिंग है, ठीक है, बड़ा दिल फरेब है, बड़ा हम कहते हैं ना कि बड़ा अरेस्टिंग सीन्स है, ठीक है, बड़ा अरेस्टिंग सीनरी है, बड़ा इंगेजिंग सीनरी है, बड़ी चार्मिंग सीनरी है, ठीक है, बड़ी कैप्टिवेटिंग सीनरी है, ठीक है, या इनकी बड़ी पर्सनैलिटी, बड़ी कैप्टिवेटिंग पर्सनैलिटी है, यानी दिल फरेब है, दिल को छू जाने वाली है। इनचांटिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इनचांटिंग व्यू, ठीक है, इनचांटिंग का मतलब भी इंगेजिंग है। और दूसरा एक वर्ड यूज़ होता है बीविचिंग, BEWITCHING, बीविचिंग का मतलब भी क्या है, इंगेजिंग है, दिल फरेब, ठीक है, दिल फरेब, इसको कहते हैं ना वो दिल फरेब नज़ारे, ठीक है, दिल को छू जाने वाले। तो ऑल वो जो मैंने चीज़ें ये बताई हैं, ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं इसके, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स भी, जो इसकी अपोजिट मीनिंग है, एंटोनिम्स, ठीक है, इसकी अपोजिट मीनिंग भी होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, वो क्या होगा, अनअट्रैक्टिव होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अनअट्रैक्टिव होगा, जो कि क्या करें, अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, जो कि दिल फरीब नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी जाना वो, इसका जाना वो एंटोनिम जाना वो आ गया, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा वर्ड आ जाता है मर्सीफुल, ठीक है। फिर हम जाना मर्सीफुल को जाना हम जो है ना वो मर्सीफुल को जो है ना ये हम डिस्कस करेंगे। मर्सीफुल का मतलब क्या है, जो कि बंदा बड़ा काइंड है, ठीक है, हम कहते हैं ना ही इज़ मर्सीफुल, ठीक है, अल्लाह इज़ मर्सीफुल, ठीक है, काइंड है, मेहरबान है, ठीक है, कंपेशनेट है, WSIONATA, ठीक है, बड़ा कंपेशनेट है, ठीक है। ये क्या है, क्लीमेंट है, CLEMENT, क्लीमेंट, ठीक है, क्लीमेंट है, बड़ा मर्सीफुल है। फिर हम कहते हैं ग्रेशियस,
जी आर ए सी आई ओ यू एस, ठीक है, जी आर ए सी आई ओ यू एस, ग्रेशियस है, बेनिवोलेंट है, बी ई एन ई वी ओ एल ई एन टी, बेनिवोलेंट है, ठीक है, और उसमें क्या है, फॉरगिविंग है, माफ़ कर देने वाला, ठीक है, जो काइंड होता है वही माफ़ करता है ना, फॉरगिविंग है, बेनिवोलेंट है, बड़ा मेहरबान है, ठीक है, लीनियंट है, जो बंदा नरम होता है ना वही जो है ना वो तो माफ़ करता है, वही जो है ना वो काइंड होता है ना, लीनियंट, बड़ा नरम, ठीक है। और पिछले में क्या आ जाते हैं, मैग्नेनिमस, ये वर्ड मैंने पहले भी जो है ना पहले लेक्चर में भी बताया था, मैग्नेनिमस, ठीक है, मैग्नेनिमस उसका मतलब दो मीनिंग है, ठीक है, इसका मतलब ये जेनरस हो है, ठीक है, मैंने जो है ना लेक्चर नंबर वन जो इसका जो पार्ट वन है वोकैबुलरी का उसमें ये वर्ड मैंने बताया था, मैग्नेनिमस के मतलब क्या है, इसका जेनरस भी होता है, बड़ा सखी, बड़ा कुल्ले दिल वाला, ठीक है, और इसका मीनिंग ये भी होता है, काइंड, बड़ा मेहरबान, ठीक है, बड़ा ग्रेशियस, बड़ा मर्सीफुल, ठीक है, तो इसके दोनों मीनिंग आपने जाना वो याद रखने हैं, ठीक है। तो मर्सीफुल का क्या हुआ, लीडिंग है, बेनिवोलेंट है, फॉरगिविंग है, माफ़ करने वाला है, कंपेशनेट है, क्लेमेंट है, ग्रेशियस है, और ये क्या है, मैग्नेनिमस है, ठीक है, और मैग्नेनिमस की वर्ड है, इसकी दो मीनिंग है, एक जेनरस है, सखी है, और एक इसका दूसरा क्या है, काइंड है, ठीक है। और इसका जो है ना एंटोनिम्स क्या आएगा, इसका अपोजिट जो है ना वो मीनिंग जो है ना एंटोनिम्स जो है ना वो इसके क्या आएंगे, वो क्या होगा, जो बंदा क्या होगा, CRUEL, जो बंदा क्या होता है, क्रूल है, ठीक है, ठीक है, जो बंदा क्या होता है, बड़ा क्रूल है, ठीक है, इनका क्या होगा, ये एंटोनिम्स होगा, ठीक है। अच्छा डेयर स्ट्रेंथ, फिर जो ऑप्शन मैंने लिखे थे इसमें से फिर भी हमने कर लिया, मर्सीफुल भी हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ट्रैक्टेबल को जाना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके ऑप्शंस है, ठीक है। अब इसका क्या है, ट्रैक्टेबल क्या है, टी आर ए सी टी ए बी एल ई, इसका क्या है, ट्रैक्टेबल है, ठीक है। अब ट्रैक्टेबल बंदा क्या होता है, ट्रैक्टेबल क्या होता है, जो कि क्या होता है, बड़ा बात मानने वाला होता है, बात मानने वाला, ठीक है, बात मानने वाला, बड़ा क्या है, फरमान बरदार है, ठीक है, फरमान बरदार है, ठीक है, फरमा बरदार है, मती है, ठीक है, जो कि बात मानने वाला है, ठीक है, ठीक है। ट्रैक्टेबल का मतलब ये है, ठीक है, क्या है, पर्सन क्या होता है, ट्रैक्टेबल क्या होता है, पर्सन क्या हो जाता है, पर्सन ईजी, अ पर्सन ईजी टू कंट्रोल, ठीक है, जिसको ईजी क्या किया जा सके, काबू किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, या जिसको ईजली जो है ना वो इन्फ्लुएंस किया जा सके, तो वो बंदा क्या होता है, वो बंदा ट्रैक्टेबल होता है, ठीक है। अब ठीक है, अब इसकी मीनिंग सिनोनिम्स क्या आ जाते हैं, सिनोनिम्स, मैं सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइनोनिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी सिमिलर मीनिंग, जिसकी जो एक जैसी मीनिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वर्ड के, ट्रैक्टेबल के। तो क्या होता है, डोसाइल आ जाता है, डोसाइल का मतलब क्या होता है, बंदा बड़ा मतीयो है, बड़ा फरमाबरदार है, ठीक है, जो कि हर बात जो है ना मानने वाला है, ठीक है, बड़ा डोसाइल है, ठीक है, बड़ा टेम है, ठीक है, टेम है, बड़ा ओबीडियंट है, ठीक है, जो कि बड़ा बात मानने वाला है, सारा सिनोनिम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एमिनेबल ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, एम ई ए एम ई एन ए बी एल ए, जो बंदा क्या है, ट्रैक्टेबल है, बात मानने वाला है, फरमा बरदार है, ठीक है, एमिनेबल है, डोसाइल है। फिर कंप्लियंट, सी ओ एम पी एल आई ए एन टी, ठीक है, ये कंप्लियंट है, ठीक है, बात मानने वाला, फरमा बरदार, ठीक है। और फिर क्या होता है, सबमिसिव है, ठीक है, ये बंदा हम कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा सबमिसिव है, बड़ा फरमा बरदार है, ये बात हर बात मानने वाला है, ठीक है, इसको ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंप्लियंट क्या होता है, सबमिसिव बंदा होता है, ठीक है, वो ट्रैक्टेबल बंदा होता है, ठीक है, ये भी लफ्ज़ आपने जाना वो याद रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक हो गया, ये भी, ठीक है। तो ये सारे क्या आ जाते हैं, इनकी जाना वो सिनोनिम्स जाना वो आ जाते हैं, ठीक है। फिर आगे है जाना, हमने वर्ड लिखा था, वर्ड जो है ना वो हमने जो आगे जाना वो लिखा था वो है, वो ये है इनडिफरेंट लफ्ज़, ठीक है, ऑप्शन में जो हमने इनडिफरेंट लफ्ज़ था, तो हम जाना ये ऑप्शन में जो इनडिफरेंट लफ्ज़ है ये हम जाना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी, जो इनडिफरेंट लफ्ज़ क्या होता है, अच्छा इनडिफरेंट के क्या मतलब है, इसे कई मीनिंग है, ठीक है। इनडिफरेंट बंदा वो होता है जिसमें क्या होता है, बड़ा अनकंसर्न बंदा होता है, जिससे कोई जाना वो ताल्लुक नहीं, जो कोई वास्ता नहीं रखता, जिससे कोई जाना वो गैर वाबस्ता होता है, ठीक है, इनडिफरेंट पर्सन होता है। तो क्या होता है, बंदा क्या होता है, जो इनडिफरेंट बंदा होता है वो क्या होता है, अन
CONCERNED वो क्या होता है, अनकंसर्न्ड होता है, ठीक है। कंसर्न क्या होता है, जो आपसे जो है ना कोई वास्ता ही नहीं रखते, ठीक है, आप पे जो है ना आपसे उसे परवाह नहीं है कि आप क्या करते हैं, ठीक है ना, आपसे कोई परवाह ही नहीं रखता, ठीक है, केयरलेस है, ठीक है, केयरलेस है, बेपरवाह है, कोई सरोकार ही नहीं है, ठीक है ना। डिटैच बनता है, डिटैच, डी टी ए सी एच ई डी, डिटैच, गैर वाबस्ता, ठीक है, ठीक है। केयरलेस है या नॉट केयरिंग है, ठीक है, केयरलेस या नॉट केयर, इंडिफरेंट बंदा क्या होता है, वो अनकंसर्न होता है, ठीक है, इसे आप कोई सरोकार ही नहीं है, ठीक है। केयरलेस बंदा होता है, नॉट केयरिंग या डिटैच्ड बंदा होता है, ठीक है। दूसरे इसका लफ्ज़ क्या है, एपे, ए पी ए टी एच ई टी ए टी, एपेटेटिक, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंडिफरेंट है, अनकंसर्न बंदा है। एपेटेटिक का मतलब क्या है, अनकंसर्न है, केयरलेस है, ठीक है, गैर वाबस्ता है, जो कोई जो है ना वो वास्ता ही नहीं रखता है, ठीक है, कोई सरोकार ही नहीं रखता, ठीक है। तो क्या होता है इसका और मतलब और भी है, सिनोनिम्स है, मैं सारे सिनोनिम्स बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारे मैं कहने क्या किए हैं, मैं साइनोनिम्स हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अलूफ है, इसका मतलब क्या है, इनडिफरेंट है, ठीक है, गैर वाबस्ता है, ठीक है, ठीक हो गया, हाँ, केयरिंग है, बड़ा बड़ा क्या है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके मतलब और भी आ जाती है, ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग भी आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये जिसमें क्या हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है, लैक है, जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं हो बड़ा, ठीक है, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखता हो, ठीक है, या जिसमें क्या हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म, टी एच यू एस आई ए एस एम, जिसमें कोई क्या हो, जो जज्बा ही नहीं हो, ठीक है, जो कि बड़ा कोल्ड किस्म का जो है ना वो बंदा हो, ठीक है। इनडिफरेंट क्या हो, इनडिफरेंट का मतलब क्या है, जो बड़ा लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, जिसमें कोई किसी चीज़ में दिलचस्पी ही नहीं रखता, ठीक है ना, या जिसमें क्या हो, लैक ऑफ इंथुसियाज्म, जिसमें इंथुसियाज्म भी ना हो, ठीक है, जिसमें जोश और जज्बा जाना वो ना हो, ठीक है। अच्छा, इसका भी क्या होगा, ये तो मैंने साथ जो है ना वो बता दिए। फिर इसका और मीनिंग क्या है, इसका और मीनिंग है अनबायस्ड, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब ये BAISED, अनबायस्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अनबायस्ड, ठीक है। तो क्या अनबायस का मतलब क्या है, जो क्या होता है, गैर जाना वो जानबदार है, ठीक है, एक बायस होता है जानबदार, लेकिन इसका मतलब क्या है, अनबायस्ड, गैर जानबदार होता है, ठीक है। ये इसको क्या क्या कहा जाता है, डिसपैशनेट कहा जाता है, DISPASSIONATE। तो ये क्या है, अनबायस्ड है, डिसपैशनेट है, ठीक है, गैर जाना वो, गैर जाना वो क्या कहते हैं, गैर जानबदार है, ठीक है। एक जो ना वो आर्बिट्रेटर होता है ना, वो क्या होता है, वो बंदा क्या होता है, अनबायस्ड होता है ना, वो बंदा क्या होता है, इनडिफरेंट होता है, जो कि आर्बिट्रेटर होता है, जो बीच में जो ना वो सिल्ला करवाता है, ठीक है, या आप अंपायर कह सकते हैं। अंपायर क्या होता है, एक इनडिफरेंट होता है, वो गैर जानबदार होता है, वो किसी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, वो मेरिट पर फैसला करता है, ठीक है। तो जो मेरिट पर फैसला करता है, वो गैर जानबदार जो बंदा होता है, वो क्या होता है, वो अनबायस्ड होता है, वो डिसपैशनेट होता है, वो क्या होता है, वो इनडिफरेंट होता है, ठीक है। जिसमें हम कहते नहीं कि हम डिस्पेशनेट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, आप कहते हैं ना कि वो डिस्पेशनेट एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें आप क्या करो, कोई एक चीज़ को सपोर्ट ना करो, बल्कि क्या करो, पूरी मेरिट के साथ जो है ना आप चीज़ क्या करो, एनालिसिस करो, ठीक है। फिर आ जाती है, अच्छा, इसका और एक और मीनिंग भी है, ठीक है, इसका आपने ज़्यादा में रखा, इसका मतलब क्या और मीनिंग भी है, वो क्या है, मेडियोकर, MEDIO, मीडियोकर, मीडियाकर बंदा कौन सा होता है, जो कि क्या होता है, एवरेज बंदा होता है, ठीक है, ना इंटेलिजेंट होता है, ना नालायक होता है, ठीक है, बस एवरेज सा बंदा होता है, मीडियाकर, एवरेज, ठीक है। और या इसके किस्म का क्या होता है, ऑर्डनरी बंदा होता है, ठीक है, जो कि ब्रिलियंट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक ऑर्डनरी, ORDINARY, ठीक है, जो कि एक ऑर्डनरी बंदा होता है, जो एक किस्म का क्या होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है, मॉडरेट किस्म का होता है, ठीक है, ठीक है। तो इनकी जब मीनिंग जब आपने जो है ना वो याद रखनी है कि क्या वर्ड की इनडिफरेंट जो वर्ड, इसका मतलब कि अनकंसर्न है, केयरलेस है, डिटैच्ड है, एपेथेटिक है, जिसमें कोई जाना वो वाबस्ता ही नहीं है, ठीक है, जो कि बड़ा लापरवाह बनता है, ठीक है ना, इनडिफरेंट है, ठीक है। हम कहते नहीं हैं, हम जिस तरह सेंटेंस में जो है ना वो यूज़ करते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, हम कहते नहीं हैं कि सेंटेंस में इस तरह यूज़ करते हैं कि गवर्नमेंट इनडिफरेंट एटीट्यूड, क्योंकि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इनडिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स पुअर पीपल, ठीक है। इसमें हम अक्सर जो है ना वो अखबार में आपने सुना होगा कि ये वर्ड जो है ना वो आ जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट इनडिफरेंट
एटीट्यूड टूवर्ड्स गोर टूवर्ड्स पुअर पीपल, तो इस तरह सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। इंडिफरेंट का मतलब बड़ा केयरलेस, उसे कोई सरोकार ही नहीं है, ठीक है। क्या मतलब क्या है, जिसमें क्या हो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, जिसमें कोई इंथुसियाज्म ना हो, जज्बा ना हो, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। बड़ा इंडिफरेंट किस्म का एटीट्यूड हो, ठीक है। फिर गैर जानब, इंडिफरेंट का मतलब ये भी है गैर जानबदार हो, जो कि डिस्पेशनेट हो, ठीक है ना। और उसका मतलब ये भी है मीडियाकर हो, जो कि एवरेज किस्म का जाना वो बंदा ऑर्डनरी हो, ठीक है। तो ये सारे जाने इसकी जाना वो सिनोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगर आप इसकी एंटोनिम्स की बात करें, NTONYMS, ठीक है, इसके अपोजिट मीनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अपोजिट मीनिंग क्या बने कि जो बड़ा बंदा क्या हो, बड़ा केयरिंग हो, ठीक है। बड़ा हीड, HEED, बड़ा हीडफुल हो, ठीक है, ठीक है। और फिर मैंने कहा यहाँ पर जो है इसमें केयरलेस है, इसका मतलब सिनोनिम्स है, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, वो हीटफुल होगा, बड़ा केयरिंग होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इंडिफरेंट बंदा क्या होता है, जिसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसका जो अपोजिट होगा, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, जिसमें क्या हो जो बड़ा बंदा क्या हो, बड़ा इनपेशन, जो कि बड़ा बंदा क्या हो, इसमें पैशन हो, जो कि बड़ा बड़ा पैशनेट हो, जो कि बड़ा बड़ा क्या हो, फर्वेंट हो, जिसमें बड़ा जज्बा हो, जो कि बड़ा क्या हो, आर्डेंट हो, ARDENT, ठीक है। ये क्या सारे क्या है, इसके इन एंटोनिम्स है इस वर्ड के, ये जो इंडिफरेंट वर्ड क्या है, एंटोनिम्स है, ठीक है। क्योंकि बंदा केयरिंग हो, हीटफुल हो, फिर मैंने कहा इसका लैक ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, जिसमें कोई जज्बा ना हो, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, ये इंडिफरेंट की सिनोनिम्स है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, जिसमें जज्बा हो, जो बड़ा पैशनेट हो, बड़ा बड़ा जो है ना वो फर्वेंट, FERVENT, ठीक है, ये फर्वेंट है, FERVENT, आर्डेंट, ARDENT, जिसमें जोश हो, जज्बा हो, वो क्या है, आर्डेंट है, जो कि बड़ा क्या वार्म है, जिसमें क्या बड़ा जज्बा है। वार्म का मतलब क्या क्या होता है, जो कि गर्म है, ठीक है, लेकिन वार्म का मतलब क्या है, जिसमें बड़ा जोश जज्बा हो, वार्मनेस हो, ठीक है, वार्मनेस हो। बड़ा क्या जीलस है, ZELOUS, जीलस, ZELOUS, जो बड़ा जोश हो, जज्बे वाला हो, ठीक है। और उसका जो तीसरा एंटोनिम्स क्या जाते हैं, वो ब्रिलियंट है, ठीक है। बंदा क्या है, बना क्या है, ये बड़ा ब्रिलियंट है, ठीक है। जिस तरह हमने इसके जो सिनोनिम्स डिस्कस किए थे, हमने कहा था कि इंडिफरेंट बंदा क्या होता है, जो कि बड़ा मीडियाकर होता है, बड़ा एवरेज किस्म का बंदा होता है, लेकिन इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा, वो क्या होगा, वो ब्रिलियंट होगा, जो कि आउटस्टैंडिंग हो, बड़ा ब्रिलियंट हो, ठीक है, ब्रिलियंट माइंड का हो, ठीक है। तो ये क्या है, इनके एंटोनिम्स आ गए, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब ये जो वर्ड्स के जाना, मैंने इसकी मीनिंग भी सारे बता दिए हैं, और इसके जो ऑप्शंस है वो इसकी मीनिंग भी मैंने सारे जाना मैंने आपको बता दिए, सारे को साथ मैंने डिस्कस किए, ठीक है। अब आपने इस तरह करने के कमेंट बॉक्स में जो है ना, इसका जो है ना वो, इसका जो एंटोनिम्स है, अपोजिट मीनिंग है ना, वो आपने जो है ना ऑप्शन जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना वो लिखना है, ठीक है। इस वर्ड का मैंने सारे मीनिंग भी बता दिए हैं, इन रू लिखे, ठीक है। इसके सारे जो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन की मीनिंग भी मैंने सारे बता दिए हैं। आपने क्या करना, कमेंट बॉक्स में जो है ना, इसका जो आपको, इसका जो एंटोनिम्स है ना, वो आपने जो है ना वो लिखना है, ठीक है। और उसमें से जो ऑप्शन आपको करेक्ट है, वही जाना वो आपने लिखना है, ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ जाना वो बता दूं कि ये जाना जो वोकैबुलरी जाना, इसको आपने कैसे जाना वो याद रखना है, ठीक है। आपने इस तरह करना है कि इसको, ये जो चीज़ है, इसको कहा जाता है स्टिकी नोट्स कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या क्या कहते हैं, आपने शॉप पर जाना है, ठीक है, स्टेशनरी की शॉप पर जाना है, उससे कहना है कि मुझे STICKY, ठीक है, स्टिकी नोट्स जाना वो मुझे देने हैं, ठीक है। अपने शॉप पर जाना है, स्टेशनरी शॉप पर, और उसे कहना कि मुझे स्टिकी नोट्स जाना वो देने हैं, ठीक है। इसको स्टिकी नोट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी जाना वो इस पर लिखी भी हुई है, ठीक है। तो आपने जाना इसके ऊपर जाना, ये जो मैंने बताया है, ठीक है, ये सारे वोकैबुलरी जो आपने लिखनी है, इसके एंटोनिम्स लिखने हैं, ठीक है। एक साइड पर आप सिनोनिम्स लिख लें, ठीक है, और पेज के दूसरे साइड पर जाना आप जाना इसके एंटोनिम्स जाना वो लिख लें, ठीक है। तो इसको जाना आप जाना जेब में जाना वो घुमा सकते हैं, जहाँ पर भी जाना आपको टाइम मिले तो आपको निकाले उसको जाना वो और रिपीट किया करें, ठीक है। अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं लेते तो जाना इस तरह छोटी सी डिक्शनरी जो आप जाना वो पॉकेट में ईजिली जाना वो जो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने खुद इस पर लिखी भी हुई है, ठीक है, वोकैबुलरी, ठीक हो गया। ये मैंने EDMs भी इस पर लिखी हुई है और वोकैबुलरी भी जाना इस पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आप जाना इस तरह छोटी साइज़ का जाना वो डिक्शनरी जाना वो सॉरी छोटी साइज़ का ये आप ले कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें पेजेस हों, ठीक है। तो इसको जाना आप उस पर ऊपर जाना वो लिख सकते हैं और जाना इसको जेब में जाना वो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिले आप जिसे निकालें और उसको जाना वो रिपीट जाना वो किया करें, ठीक है। इस तरह ये भी हो गया, ये मैंने लाहौर से जाना वो लिया था, ठीक है ना, ये उर्दू बाज़ार नहीं है, वहाँ से जाना वो मिल जाती है, ठीक है। किसी भी शॉप से, स्टेशनरी शॉप से आपसे मिल जाती है, ठीक है, जो आप इजीली क्या करते हैं जेब में जाना वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जाना इसके ऊपर लिखना है, ठीक है, और फिर इसको बार बार जाना आपने रिपीट करना है। देखो जो आप जो एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो आपके परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो वोकैबुलरी भी ऐसा हुई होता है, ठीक है।
वोकेबलरी को अगर आपने इन्हांस करना है ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, रिपीटेशन करनी है ठीक है, इनकी आपने रिपीटेशन करनी है। एक लेंथी प्रोसेस है वोकेबलरी जाना, एक महीने से या कोई दो दिन तीन दिन से ज़्यादा नहीं होती, बल्कि एक लेंथी प्रोसेस है ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जाना वोकेबलरी क्या होती है, इन्हांस होती है। अगर आप इसके ऊपर जाना वो काम करें ठीक है, तो जो हर टेस्ट में तकरीबन जाना वोकेबलरी आती है ठीक है, आप NTS टेस्ट हो, जो भी टेस्ट है, PSC की टेस्ट हो, तो ठीक है, तो वहाँ पर जाना आप इजीली जाना वो आप कवर कर सकते हैं ठीक है, आपको कोई मसला नहीं होगा ठीक है। बल्कि NTS जाना अगर आपको वोकेबलरी अच्छी है, तो आपकी जो है ना बीच में जो वो आ जाती हैं जिसमें आप रिलेशन जो है ना वो फाइन करते हैं दो वर्ड्स के दरमियान, तो वो भी आप जाना उसको ईजिली कर सकते हैं, जिसको एनालॉजी कहा जाता है, एनालॉजी के क्वेश्चन वो भी ईजिली जाना वो कर सकते हैं, अगर आपकी वोकेबलरी जाना वो अच्छी है ठीक है। तो इसको आपने इस तरह जाना वो इम्प्रूव करने है ठीक है। ये स्टिकी नोट्स ले लें ठीक है, या ये छोटी सी जाना वो जो कि पोर्टेबल किस्म के जाना वो ये पेजेस है ठीक है, छोटी डायरी है, तो इसके ऊपर आप लिखा के करें, और जब भी टाइम मिले इसको जाना आप इसको रिपीट किया करें ठीक है, पढ़ा करें ठीक है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखना, और अल्लाह हाफिज़।